नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्क्रमित विद्यालय चेचरिया कला है। आइए हम यहाँ के प्रिंसिपल सर के ऑफिस में चलते हैं, उनसे बात करते हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल सर का कार्यालय है, यहाँ पे प्रिंसिपल सर अनुपस्थित हैं। जब हम यहाँ के शिक्षकों से बात किए कि प्रिंसिपल सर कहाँ हैं, तो वो बोले कि लंच हुआ, खाना खाने गए हैं। जब फिर हम उनसे बोले कि सर को बुला दीजिए, तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आएंगे, अभी वो कहीं और दूसरा जगह चल गए हैं। जब सर का ड्यूटी है यहाँ पे इस स्कूल में, तो दूसरा जगह क्यों चले गए? ये बराबर ऐसे ही कहते हैं, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। क्या नाम है छोटे? काजल कुमारी। कहाँ पे घर है? चेचरिया कला। सुबह से क्या पढ़ाई की हो? सर गणित। गणित दो का पहाड़ बताओ तो। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, दो आठ सोलह, दो नौ अठारह, दो धाम बीस। कौन सा क्लास में हो? फोर। तुम्हारा नाम क्या है छोटे? नीतू कुमारी। कहाँ का रहा है? चेचरिया कला। कौन सा क्लास में हो? फोर क्लास में। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। तुम्हारा नाम क्या छोटे? चांदनी कुमारी। कहाँ का रहा है? चेचरिया कला। पिताजी क्या करते हैं? कौन सा क्लास में हो? फोर क्लास में। फोर क्लास में। 11 का स्पेलिंग बताओ तो। 11 के? हाँ, 11 के 11 नहीं, स्पेलिंग जैसे 1 2 3 बोलते हैं ना, वैसे 11 को क्या, 11 क्या बोलते हैं? 11 का स्पेलिंग बताओ। नहीं आता है? 1 11 1 2 2। तुम्हारा नाम क्या छोटे? पुष्पांजलि कुमारी। कहाँ घर है? चेचरिया कला। पिताजी क्या करते हैं? कौन सा क्लास में हो? फाइव। फाइव में। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। खाओ जाओ छोड़ो। तुम्हारा नाम क्या है? चंदन कुमार। कहाँ घर है? चेचरिया कला। पिताजी क्या करते हैं? नहीं पता। 11 का स्पेलिंग बता दो। सुबह से क्या पढ़ाई किया? हिंदी लिखने आता है? हाँ। आ लो चौक लो, और इधर खाली पैर आए हो? चप्पल पहन के नहीं आए हो? आए। खाली पैर आए हो? चलो लिखो। कौन सा गांव में रहते हो? चेचरिया। चलो चेचरिया लिखो। काला काल है चेचरिया का हाल। कौन सा जिला में रहते हो? पलामू। चलो लिखो पलामू। चलो शाबाश। बता दीजिए मैं सर। क्या नाम है छोटू? कौशल कुमार। कहाँ घर है? चेचरिया। चेचर पिताजी क्या करते हैं? अति काम करते हैं। काम करते हैं। कौन सा जिला में रहते हो? पलामू जिला। पलामू जिला में। चलो शाबाश। नाम क्या है तुम्हारा छोटे? छोटी कुमार। खड़ा हो जाओ। नाम क्या है? छोटी कुमार। कहाँ घर है? सलेमपुर। कौन सा जिला में रहते हो? पलामू। पलामू जिला। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या छोटू? सुधांशु। कहाँ घर है? चेचरिया कला। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या छोटू? रितिक कुमार। कहाँ घर है? सलेमपुर। सुबह से क्या पढ़ाई की हो? सर गणित में के बनाए हैं वो सब। पहाड़ याद है? यस सर। कितना तक याद है? सर 10 तक। 10 तक। 8 के बताओ तो। सर याद करने के लिए दिए हैं टेस्ट में। अभी तक पहाड़ कितना तक याद है? 5 तक। 5 तक। 3 के सुना दो। 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, 3 21, 24, 27, 28, 29, 30। चलो इसमें ताली बजा दो सर को। ऐसी पढ़ाई करो। तुम्हारा नाम क्या छोटे? उमा कुमारी। कहाँ घर है? सलेमपुर। बड़े मुस्कुरा रही हो। हाँ पिताजी क्या करते हैं? नागेंद्र पिता काम करते हैं। काम करते हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री। कौन सा जिला में रहते हो? पलामू जिला। पलामू जिला में। चलो शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है छोटू? पूनम कुमारी। क्या? पूनम कुमारी। नहीं पूनम कुमारी। कौन सा राज्य में रहते हो? झारखंड में। झारखंड में। शाबाश। ताली बजा दो इसके लिए सबको। तुम्हारा नाम क्या है छोटू?
कविता कुमारी। स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आई हो? नहीं लिया है। नहीं है? कौन सा क्लास में हो? दूसरा। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। सारा आपका नाम क्या सर? वीरेंद्र ठाकुर। वीरेंद्र ठाकुर किस चीज़ का सब्जेक्ट का टीचर है सर आप? मैथ का जी। झारखंड का राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। शिक्षा मंत्री भारत के कौन है? बैजनाथ मेहता सॉरी बैजनाथ मेहता शिक्षा मंत्री। उपराष्ट्रपति कौन है भारत का? उनको तो नाम नहीं याद पड़ता है सर, थोड़ा सा टेढ़ा है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन सा सब्जेक्ट का टीचर है? जी जनरल है सर। जनरल सभी पढ़ा देते हैं? हाँ, क्या करें, सब पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? 2007 से सर। 2007 से जी। इसी स्कूल में? जी इसी स्कूल में। झारखंड का राज्यपाल कौन है? अभी रमेश बैस जी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति? श्री वेंकैया नायडू। भारत के शिक्षा मंत्री? रमेश पोखरियाल जी। लाइट पे पोल से ही खराब हो गया सर। पोल से खराब? बहुत दिनों से खराब है? नहीं, ज़्यादा दिन से नहीं। ये पानी आंधी धूप चला था ना उसी में। कितने दिनों से लाइट नहीं है? एक सप्ताह 10 दिन के लगभग। एक ही पंखा है क्लास में? नहीं, दो था, वो खराब हो गया था तो निकाल के रखा हुआ है। खाना क्यों नहीं मिला सर? खाना वही कल से नहीं, आज से नहीं मिल रहा है। ऐसा बात तो नहीं है सर? जी कुछ बच्चा तो पूछिए सर, क्यों नहीं मिला सर? आज चावल नहीं था। चावल नहीं था, देख लीजिए उसमें चावल रख लेते, बोरा खाली है। अच्छा सर, कितने दिनों से खाना नहीं मिल रहा सर? सिर्फ आज नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा सर? चावल नहीं है। तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? ये तो शिक्षा विभाग समझे। प्रिंसिपल सर क्यों नहीं है कल स्कूल में? सुबह में आए थे कि नहीं आए थे? सुबह आए थे। अभी जस्ट गए, BRC गए हैं। स्कूल का काम से गए हैं? हाँ, स्कूल का काम से। जाति प्रमाण पत्र? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए गए हैं जी, उसके लिए संबंधित गए हैं। सर का नाम क्या है? राजेंद्र राम। आप देख सकते हैं यह चचरिया का स्कूल है, यहाँ पे प्रिंसिपल सर नदारद हैं। जब हम टीचरों से बात किए तो उन्होंने कहा कि सर कुछ काम से गए हैं, यहाँ के जाति बनवाने के लिए गए हैं। तो जिस तरह से झारखंड में स्कूलों में जाति के लिए बनाने के लिए दिया गया, तो आप समझ सकते हैं बच्चे लोग का भविष्य चौपट हो रहा है। यहाँ पर टीचर स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं जाति बनवाने के लिए, तो ये कितना बड़ा आप देख रहे हैं स्कूल है। स्कूल का फर्श देखिए किस तरह का है, यहाँ पर टूटा हुआ है। स्कूल का ऐसे ही फर्श होना चाहिए। कब तक के सरकारी स्कूल के झारखंड में सरकारी स्कूल का कंडीशन रहेगा? आप देखिए किस तरह यहाँ पे फर्श है, ये सरकारी स्कूल का फर्श है। आप बता सकते हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरह से बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है? इधर आइए, पूरा का पूरा विद्यालय टूटा, क्लास टूटा हुआ है। इधर देखिए पूरा कोने में टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। इधर देखिए, खाना मिलता है छोटे? यस सर। खाना मिलता है? आज मिला है खाना? आज नहीं बना था। कब से नहीं मिला खाना? आज भी नहीं बना था। कल क्या मिला था? दाल भात सब्जी। अंडा चावल कभी मिला है? हाँ। कब सर? अच्छी सुख के बूथ के सोमवार को मिलता है। तुम गलत बोल रहे हो, अंडा चावल सोमवार को मिलता है। खाना मिलता है छोटे? खाना मिलता है? यस सर। कल क्या मिला था? सब्जी, दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी, हमेशा दाल भात सब्जी मिलता है? हाँ। केला वाला मिलता है, फल उल? हाँ। कब, कितना दिन हो गया मिले हुए? सब फल उल मिलता है बच्चे लोग को? सावन में जब आती था ना, अंडा नहीं बन रहा था सावन में, उस समय केला सेव देवा दिया जाता था। और उसके बाद जब सावन खत्म हुआ तो अंडा चालू हो गया। अभी अंडा का पेटी अंदर है, ठीक ना? चलिए, आप ये जो चेचरिया उत्क्रमित विद्यालय चेचरिया कला का है, यहाँ पे देखिए नल का स्थिति कैसा है। हम चाहेंगे कैमरा में से पास से दिखाएं, एक भी नल यहाँ पे चालू नहीं है। आप समझ सकते हैं यहाँ का मोटर ही चालू नहीं है, यहाँ पे मोटर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, मोटर का कोई कनेक्शन ही नहीं। आप यहाँ पे देखिए लग रहा है कि लाइन मार रहा है। क्या हुआ सर? चोरी हो गया? स्टार्टर जो है ना, हाँ, उसको काट लिए। अब मोटर? मोटर तो है ही, उसमें डालल तो इसका। अच्छा, मान लीजिए मोटर चोरी हो गया तो नल तो है सर? नल है तो वहीं से ना पानी इसका आती होता है सर। कितने दिनों से चोरी हुआ है? कितना दिन से ही तो हो गया, 6 महीना। नल भी नहीं है सर वहाँ पे, एक भी नल नहीं है। तो देख लीजिए तो नल ठीक है सर, तो नल कैसे चलेगा? गांव के आदमी इस पर चढ़ के तोड़ लेते हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है?
जिमवार कहाँ रात बनवाए मुखिया थुरु है ना मुखिया थुरु स्कूल जी यहाँ मुखिया थुरी नल जल मीनार लगा है ना मुखिया का 20 बार का है नहीं सुन रहा नहीं सुन रहा है कह रहा है कि मिस्त्री नहीं मिल रहा है यहाँ का शौचालय किधर है सर शौचालय जो शौचालय है कंडीशन आप देख ही सकते हैं किस तरह का है यहाँ बच्चे लोग जाते हैं सर जाते हैं कभी कभी नज़दीक में आती है तो ये धीरे चल जाते हैं बाहर में हाँ कभी कभी अति जब मजबूरी हो जाती है इसमें चल जाते हैं लग दिया कि तो लगता नहीं सर जाते होगा कोई जाते हैं सर सब बाहर चला जाता है हाँ जाते हैं इसमें बाकी अब बच्चा लोग ले जाता है उन्हें बाहर जाकर बैठ जाता है नदी है बगल में अब बताया सर लड़की लोग आते हैं ना तो गलत है ना नहीं लड़की लोग